मामू रियाज आयो, मामू रियाज इतना अच्छा हो, हम ईद लेके आयो हो और हमने इतनी खुशी हुई और मामी भी आई ही और हमने इतनी खुशी हुई। मामू ने हम और बेटी बना ली और मेरी अम्मी बहन बना ली। मामू रियाज और माम सकीना हमारे घर पर आए, हमने से लगे जैसे हमारा सगा मामा मामी आए हैं। पेतवाली हवेली में हम बाजी रेहाना के घर आया हैं, जो कि तुमने वीडियो देखी ही। बाजी रेहाना के ऊपर जो वाका घर वालों ने जुलम जाती करो हो और कहा वाली ईदी लेके आया हैं, जैसे कि हम अपनी बहनों ने बरते हैं ऐसे ही हम बाजी रेहाना बरते हैं, वो हमारी सगी बहनों की तरियाँ हैं। रियाज ने वाके सिर पर हाथ धरो हो और अपनी बहन बनाई ही और वो ऐसी बहन है जैसे कि हमारी सगी बहन है। रियाज भाई मैं बहुत अच्छा लगो, आप मेरे घर आया, बाजी सकीना आई, आपने मेरे सर पे हाथ रखो, जब मेरे कब्ज़ो दिलवायो, मेरा घर मेरे मसलो हो घर में तो आपने मेरे कब्ज़ो दिलवायो और वाके बाद आपने सर पे हाथ रखो कि मेरी बहन है सगी। तो भाई आपने यू सर पे हाथ रखो जो साबित भी कर दियो कि ईद है, मेरे बच्चान के लिए कपड़ा भी ना है और आपने हम लोग फ़ोन करो, कोई ने वाके बाद ना फ़ोन करो, ना कोई ने हमन से हाल पूछो, ना ईद का ईद पूछे कि ईद है या ना है, कोई कुछ है ना है, मेरे बच्चान के लिए मेरे लिए कपड़ा लेके आया। बाजी आई और भाई रियाज आयो, फिर सिर पे हाथ रखो, ये भाई को कहना है कि मैं ऐसे ही समझूंगा जैसे मैं अपनी बहन ने समझू हूँ हमेशा, तो जब तक मेरी ज़िंदगी है। तो भाई रियाज मो बहुत अच्छा लगो आपको आनो और आपने बहुत मेरा ख्याल करो और बहुत अच्छो है भाई, और जैसे मेरे माँ जाए सगो भाई होवे, मेरे दिल इतनी खुशी हुई है भाई से मिल के, और भाई पहले ना मिलो हो मेरे दिल में बस परेशानी ही, भाई ने फ़ोन करो मेरी परेशानी दूर होगी, मेरे बच्चान के लिए ईद भी ना ही कोई कपड़ा ना हाँ मैं बहुत परेशान ही, भाई आयो ईद भी दीप कपड़ा भी लेके आयो और मेरे घर पे आयो, इतनी मो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जैसे मेरे सगो भाई, और इंशाल्लाह मेरे सगो भाई ही बन गो और ऐसे ही मो बरते गो अन मो सुवादो करो। हाँ जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सकीना जो कि मेरी घर वाली है और रिहाना बाजी जो मेरे साथ बैठी है हमारी बहन, और वीडियो कान्हा चेत वाली हवेली की वायरल हुई, आप सभी दोस्तों ने देखी ही। तो या मैं यही कहूँ कि रिश्ता बनाना बहुत सूखा है लेकिन निभाना औखा है, अगर तुम रिश्ता ने बनाओ तो उन्हें ज़रूर निभाओ। तो मेरी जो है घर वाली वो साथ बैठी है और वो यकीनी तौर पर यह बात कहेगी कि कम अज़ कम 20-25 ऐसा घर हाँ कि जिनके साथ जिन बहनों के साथ मैं रिश्ता नहीं निभाऊँ हूँ, कई के बहन ना, कई के भाई ना हाँ, कई के बाप ना है, मैं उनकी गमी खुशियों में जाऊँ। और यूँ कोई एहसान ना है अक भाई, यूँ कोई एहसान है बाजी ने तो ऐसे नाम ले दियो वो हमें कपड़ा उपड़ान को, असल मकसद यूँ है कि ये हमारा मान में है था कौम का, मेयू बिरादरी का यह मान में है था अपनी बहनन के घर खुशी में जानो और खुशी में अपनी बहन बुलानी, जैसे कि मैं अपनी माँ जाई बहन बेटी के घर अपनी बहनन के जाऊँ हूँ, मैंने छोटी ईद पे व्लॉग बनाए हो, मैं अपनी बहन लोग ईद लेके गई हूँ कच्ची कोठी में, तो वहाँ से यूँ सबक मिलो हो कि मेरी बहन बता रही है कि कच्ची कोठी से मेरे पे एक बाजी आई और वहाँ ने कही कि रियाज भाई की यो वीडियो मेरे भाई ने देखी इस्लामाबाद के अंदर, और वहाँ से पहले कभी वो ईद ना पहुँचाई लेकिन यह वीडियो देख के हम छः वो बहन लो वो ईद ले के आयो। जैसे इस्लाम के अंदर दिखलावो सख्त मना करो गयो है कि भाई कई की कई बहन भाई की मदद करो तो हम दिखलावो ना होना चाहिए, होनी इजाज़त है कि तुम इस्लाह के लिए तरगीब के लिए तुम दिखलावो कर सको ताकि वो लोग जो भूला पड़ा है इन रिश्ता ने हो सके हमारी इन वीडियो ने देख के उन्हें रिश्तान की कदर हो जाए। तो रिहान बहन कतन या में कोई ऐसा मकसद ना है कि या में कोई तजलील, बिल्कुल जैसे हम अपनी सगी बहन लू यानी कि उनके घर पर जावा हाँ उन्हें वरता हाँ ऐसे ही हो आप हमारे लिए, और मैंने वीडियो में जो हाथ धर हो तो वह मतलब सिर्फ यूँ ना हो कि वो हमने एक प्रोग्राम करो वायरल करो और वाह वाह समेटी वाह सुबात, जैसे कि एक मीडिया को किरदार रहे हमारी कौम के अंदर, यही ये मीडिया को किरदार पाकिस्तानी ओवरहाल कौम के अंदर के जब वीडियो कोई वायरल हो वहाँ उन पहुँचा हाँ लेकिन वाह सुबात बिल्कुल ना यानी कि पूछा कि अब तहारो कहाँ हाल है कैसे तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है। तो या में जो आपके बच्चा हाँ आलिया है और जो बेटा अली है ये हमारे ही बच्चा, इंशाल्लाह ताला आपने अपने बिल्कुल ऐसे महसूस ना करना कि मेरे ऊपर कोई ना, हम छाँ बन के तेरे ऊपर हैं, रात का 1 बजे भी अगर तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही पहुँचेंगा, ठीक है सही है। हाफ़िज़ सलमान तारक मेयो जो है सदाए मेयो कुछ चीफ एडिटर वो भी मेरे साथ आयो है, और उस साथ का कमरा में लेटते ही वाकई लगी आँख क्योंकि वो सारी रात जागे जब अखबार जोड़े हैं और सारे दिन अखबार तकसीम करे हैं और लोगों से मुलाकात करे पूरी रात जागे हैं,
तो वैसे भी वीडियो में वो शामिल ना हो रो, वह पतो है हमारी बिरादरी को बात बेबात तनकीद करा हाँ, जैसे कि ये वीडियो वायरल हुई, बड़ा बड़ा लोगों ने घर बैठे ही कमेंट्स करा हा, कहीं ने वो एस एच ओ मुअत्तल करवा दिया और कहीं ने कुछ कही, कहीं ने कुछ कही, लेकिन तोड़ मसला कैसे निभो हो, कैसे बार बार हम हीन आया हा और अभी भी आया, इंशाल्लाह आता रहेगा। तो या मैं पाकिस्तान सदाए मेयो अखबार और रहबर मेवात एच डी न्यूज़ की मिल के दोनों की काविश हाँ, और ये कोई एहसान ना है, क्योंकि मैं समझूँ कि हमारे मेवन का रिश्ता नाता ऐसे हैं जैसे गूदडीन का हड़ावा। तो अगर हम मज़ीद तफसील में जाएंगे तो रेहाना बहन हमारी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल जाएगी, क्योंकि हमारे मेवन की ऐसे ही है। हमारे मेवन के बारे में तुम्हें कहा कि दो मेव आपस में बैठा हो और उनको ताल्लुक ना निकले तो समझ लियो कि दूसरों मेव ही ना, हमारी बोली एक, हमारा खून एक। तो या मैं यही अपनाइयत है, अब जैसे मैं ही ना आई हूँ वो बिल्कुल ऐसे एहसास हो जैसे मेरी अपनी बहन, अपना बहन या बहन जी देख के मैं खुश हो जावा, ऐसी मोहन माहौल मिलो। जैसे कि या दौर में मैं समझूँ कि काई भी बहन का पाँव ज़मीन के ना लगा अपना भाई भावा जी ने देख के, तो ऐसे ही मैंने बाजरी हाने के लिए महसूस करो है। तो बाकी या वीडियो बनान को कतन मकसद दिखलाओ ना, हमने आप लोग दिखाए भी कुछ ना है, या भी मैं आप लोग बताऊँ, हमने आप लोग कुछ ना दिखाओ, ये सिर्फ हमने एक तरगीबी तौर पर वीडियो बनाई है। उम्मीद यही करूँ कि लोग या मैं गलत कमेंट्स पास ना कर सा, बाकी खुश रहो और दूसरा ने भी खुश रहने दो। और मैं समझूँ कि ईद कुर्बान पे सिर्फ जानवर की कुर्बानी मत करो बल्कि अपनी अनान की कुर्बानी करो। बहुत शुक्रिया, देखते रहो रहबर मेवात एच डी न्यूज़ और यूट्यूब पे मेरे चैनल रियाज नूर टीवी। अल्लाह हाफिज़। हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए रियाज नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।